आबू रोड के ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज हुआ, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन, फिल्मी अभिनेत्री रवीना टंडन, राजस्थान के राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी सहित संस्था के मुख्य प्रशासक दादी जानकी, अतिरिक्त प्रशासक दादी गुलजार, कार्यक्रम के संयोजक मृत्युंजन भाई सहित कई जनप्रतिनिधि व संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। यह कार्यक्रम 29 मार्च तक आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मैं इस संस्था के प्रारंभ से ही जुड़ा रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। स्मार्ट साउंड राजस्थान सिरोही से, राजस्थान सिरोही से नीतू परमार की रिपोर्ट, जीएनए इंडिया। स्मार्ट सा जो हमें मान लिए इस ओल्ड हमें मान लिए इस यंग और आज चाहिए हमारा निर्देशन, हमें डायरेक्शन और हमारे आध्यात्मिक रूप से पालना स्वतंत्र रूप से करें। तो मुझे लगता था कि ये मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरे देश की प्रशंसा हो रही है और जिस विश्व को जैसा हम बनाना चाहते हैं उसकी प्रशंसा हो रही है।
बीच आई विल कम बैक आई विल कम बैक एंड बहुत बहुत प्यारा लग रहा है बहुत बहुत एक मेंटल पीस सॉरी यहाँ बहुत आज आपने अपनी फिल्म के बारे में आपने बोला उसका प्रमोशन करने आए हैं कैसा लग रहा है इस नहीं जी इजाजत ले रही थी मैं सॉरी थैंक यू एक्सक्यूज मी यस हंगामे के बीच होती है राज्यसभा इतने हंगामे को छोड़कर आप यहाँ पर शांति के समय आए या, या, और या, के लोगों इधर शांति मिलते ही पूरा राज्यसभा एमपी इधर आएगा तो ज्यादा अच्छा होगा